हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज की वीडियो में मैंने चैप्टर सिक्स लिया हूं। सो इस वीडियो को शुरू से इन तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में फर्स्ट पार्ट विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। सो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको लाइव आपको जो है राइट आंसर कमेंट में देना है, ठीक ना। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ फ्रेंड्स, इनमें से चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, फाइनल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मोरारजी देसाई, फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे जनता पार्टी बोल रहा है, ठीक ना, ना कि भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी बोलता तो उसका स्थापना आप लोग पता है 1980 में हुआ है, ठीक ना। लेकिन जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है आपको बताना है, राइट आंसर। इनमें से चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना। तो जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी को हुई है। कब हुई है, 1977 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। जी हाँ फ्रेंड्स, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे, फाइनली इनमें से चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो 1974 की रेल हड़ताल के जो नेता थे वो थे जॉर्ज फर्नांडिस थे। कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस, फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इस लाइव में जुड़ सके और इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो चार का राइट आंसर आप लोग को बताना है, फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा, फाइनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो इनमें चार ऑप्शन हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, ठीक ना, निर्वाचित होते हैं, फाइनली पांच का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति का पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो बताना है, चार ऑप्शन है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 61, फाइनली डी विल बी दी राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्या के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, फाइनली चार ऑप्शन है। यानी राज्यसभा की सदस्या के लिए, राज्यसभा की जो हम लोग सदस्य लेते हैं, ठीक है, उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना, 30 वर्ष, यानी कि बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकती है, ठीक ना। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है फ्रेंड्स, चार ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, ठीक ना, 552, ठीक ना, 9 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, ठीक ना। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो 10 का राइट आंसर आप लोग बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, यानी बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है। चलिए 425 सदस्य, 500 सदस्य, या 545 सदस्य। इसका आंसर आप लोग पता ही होगा, क्या हो जाएगा, 500 सदस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 सदस्य, फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है,
बताइए 12 का राइट आंसर। फाइनली चार ऑप्शन है जिसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना, 30 वर्ष फाइनली डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। तो चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा 5 या अधिक, 5 या अधिक फाइनली डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि भारत मुख्यतः एकमात्र राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक क्या है। भारत मुख्यतः एकमात्र राज्य है, ठीक है, इस विचार का प्रतिपादक कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए 14 का क्या हो जाएगा। फाइनली चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी एन जोशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, जी एन जोशी, फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, संघात्मक, ठीक ना, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। चलिए 15 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी डी विल बी दी राइट आंसर। चलिए फिर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल, बस इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 47 विषय हैं, कितने हैं, 47, ठीक ना। 17 का जो है आपका बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक ना, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास, केंद्र एवं राज्यों के पास, केंद्र के पास या किसी के पास नहीं। तो 18 का फाइनली चार ऑप्शन है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र के पास, ठीक ना, केंद्र के पास फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर। आप लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, आशा करता हूँ कि इस प्रकार से आप लोग जो है बने रहिए वीडियो में और आप लोग जवाब देते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। तो वो अनुच्छेद बताना है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 19 नंबर का। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249, ठीक ना, 19 का, यानी कि डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से बताइए क्या होगा इसका आंसर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, जी हाँ फ्रेंड्स, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, इसका राइट आंसर आप लोग बताना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, किसमें किया गया, 20 नंबर का राइट आंसर बताइए। फाइनली चार ऑप्शन है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1968 में, ठीक ना, बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्त में भी शेयर कीजिए, और एक बार नोट कीजिए, मैं डेली यानी 9 बजे, ठीक ना, जो आपका टाइम है फिक्स, डेली 9 PM को मैं इस प्रकार से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड मॉडल और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो डेली आपको मिलेगी। सो आप डेली 9 बजे तैयार रहिएगा, और मैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आपको फिर यानी कि नेक्स्ट टाइम कल लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।